ये सवाल का जवाब मैं अकेला नहीं दे रहा हूँ, मेरे कंटेस्टेंट दे रहे हैं, हमारी कॉम्पिटिशन हमारे खुद से, ये सबसे बेस्ट सवाल जवाब होता है। मुझे लगता है कि मैं किसी डांसर से कॉम्पिटिशन करूँगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। मैं हिंट दूंगा कि जो हवा चल रही है अपने देश में उसके रिलेटेड मेरा परफॉर्मेंस है, पर मजा आएगा आपको। वो इंसान आज हमारे साथ है जो कभी भी रुकते नहीं काम के लिए, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आते गए, बैक टू बैक हम उनको ऑन स्क्रीन देख ही रहे हैं। सो बहुत काम चालू है, इतना सारा काम, मजा आ रहा है आपको इस काम में? ऑब्वियसली मजा आएगा, मतलब जब आप टीवी पे कहीं तो भी बैकग्राउंड में भी खड़े होने के लिए ट्राई करते हो और आप अभी एक बड़े बड़े चैनल पे, बड़े बड़े शोज में आपको काम मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ऑल्सो झलक दिखलाजा में अभी बहुत ही सारे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स भी आ चुके हैं, कंपटीशन टफ होते जा रहा है। सो आपको कौन कौन लगता है कि कौन कॉम्पिटिटर है आपका? मैं आपको बताऊँ, ये सवाल का जवाब मैं अकेला नहीं दे रहा हूँ, मेरे कंटेस्टेंट दे रहे हैं, हमारी कॉम्पिटिशन हमारे खुद से, ये सबसे बेस्ट सवाल जवाब होता है। और मुझे लगता है सच्ची में, क्योंकि कोई किसी के जैसा नहीं है, और यहाँ पे झलक का एक फॉर्मेट है कि एक पर्सनालिटी वाइज वो लोग चुने हुए हैं उन्होंने, तो किसी के डांस वाइज कोई नहीं जीत सकता किसी से, क्योंकि सबका डांस ही अलग है। मतलब हम लोग सब जितने कंटेस्टेंट वो डांसर नहीं है, डांसर वो आप पे देखो तो जो बड़े बाकी बड़े शोज है उसमें डांसर है, हम लोग आर्टिस्ट है, हम ट्राई कर रहे कि एफर्ट्स लेके हम कैसे डांस करते हुए दिख सकते हैं, ये हम दिखा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं किसी डांसर से कंपटीशन करूंगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं दिखाऊंगा अच्छा मैं पहले दिन ये था, अभी मैं थोड़ा इम्प्रूव किया हूँ, अभी मैं ये भी ट्राई कर रहा हूँ, लोग देखेंगे अच्छा ये शो उठाकर एफर्ट्स ले रहा है, तब जाके मुझे वोट करेंगे। तो ये और ये वीक कौन कितना मज़ेदार रहने वाला है और कौन सा परफॉर्मेंस आप करने वाले हो? आपको मैं हिंट दूंगा कि जो हवा चल रही है अपने देश में उसके रिलेटेड मेरा परफॉर्मेंस है, पर मज़ा आएगा आपको। ओके, और इसी के साथ आज हम लॉन्च पे आए हैं, बहुत ही प्यारा फोटोशूट था आपका, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा? जब आप नए नए लोगों के साथ काम करते हो, जैसे अमित के साथ मैंने पहले भी शूट किया था, उनकी टीम बहुत प्यारी है, अमित का काम बहुत प्यारा है, बहुत हम्बल तरीके से आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, बट वो क्रिएटिविटी उनसे भी निकलती है और आर्टिस्ट से भी निकालते हैं। तो जो मैंने अभी जो शूट किया उसमें सच्ची में उनके टीम ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने जो जो चीज़ें छोटी छोटी ट्राई की है वो मुझे नहीं लगा था कि ऐसे क्लिक में दिखेगी, और बहुत प्यारा क्लिक किया उन्होंने, और कांग्रेस अमित भाई, पूरे टीम और आपको, कि आपकी क्रिएटिविटी को सलाम, और अच्छा लगा काम करके, और क्योंकि ऐसे लोगों के साथ काम करोगे तो आप खुद भी ग्रो होते जाओगे, तो दिल से शुक्रिया। लास्टली रिपब्लिक डे आ रहा है, उसके लिए विशेष दे दीजिए ऑडियंस को। आप सभी को, पूरे हिंदुस्तान को हैप्पी रिपब्लिक डे, देश का ख्याल रखो अपना, पहले अपने मम्मी पापा से करो, और जो भी आप चाहते हो कि चेंज करना है हमारे भारत देश में, तो इस एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने से अच्छा हम खुद से स्टार्ट करते हैं, ये मैं भी कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आती कि सिस्टम ऐसा है वैसा है, मैं चाहता हूँ कि हम खुद से चालू करें ना, तो हमारी इंडिया बहुत बड़ी है, सब चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है। तो हैप्पी रिपब्लिक डे, खुद का ख्याल रखो, अपने देश का, अपनी माता का, जो घर पर वो भी, अपने भारत माता का भी, लव यू, थैंक यू। थैंक यू।